अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स माय इज़ अकबर अली एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ़ ग्रेड टेन टुडे आर टॉपिक इज़ थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स एक्सरसाइज टू पॉइंट फाइव स्टार्ट करेंगे बोर्ड की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में हमें रूट्स गिवन होंगे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी इससे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती थी हम रूट्स फाइंड करते थे अब रूट्स गिवन होंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का तरीका समझते हैं इफ एल्फा एंड बीटा आर The roots of the required quadratic equation. अगर अल्फा और बीटा roots हैं रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हमने फाइंड करनी है तो दोनों रूट्स को हम लेट कर लेंगे एक्स के इक्वल क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल एक्स या वाई एक वेरिएबल इन्वॉल्व होता है लिहाजा दोनों रूट्स को हम एक्स के इक्वल लेट करेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू एल्फा एंड एक्स इज इक्वल टू बीटा अब एल्फा को लेफ्ट साइड पे ले आए तो एक्स माइनस एल्फा इज इक्वल टू जीरो एंड बीटा को भी लेफ्ट साइड पे ले आए एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो अब इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दें एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दिया ज़ीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड पे तो रिजल्ट ज़ीरो आ जाएगा अब इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स एल्फा इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लिया और माइनस भी चूँकि कॉमन आएगा दोनों के साथ माइनस का साइन है तो एल्फा प्लस बीटा रिमेनिंग बच जाएगा लास्ट टू टर्म्स को मल्टीप्लाई करें माइनस इंटू माइनस प्लस अल्फा इन बीटा अल्फा बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो अब अल्फा प्लस बीटा हम पढ़ चुके हैं सम ऑफ द रूट्स होता है एक्स स्क्वेर माइनस एस एक्स प्लस अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो एस मीन्स सम ऑफ द रूट्स एंड पी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो ये स्टूडेंट्स हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई अगर हमें रूट्स गिवन होंगे इसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से भी बना सकते हैं उसका भी तरीका समझ लेते हैं लेट एल्फा बीटा बी द रूट्स

इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए होता है ये हम लास्ट लेक्चर्स में समझ चुके हैं एंड एल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए होता है अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है इस पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दें तो जब फर्स्ट टर्म को ए से डिवाइड करेंगे ए से कैंसिल हो जाएगा प्लस सेकेंड टर्म को ए से डिवाइड करेंगे तो प्लस बी ओवर ए एक्स आ जाएगा लास्ट टर्म को ए से डिवाइड करेंगे तो प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू जीरो अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी ओवर ए है यहाँ पे प्लस बी ओवर ए है अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दें b ओवर a को और एक माइनस हम बाहर भी लिख दें तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा इंटू एक्स प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू जीरो अब माइनस बी ओवर ए की जगह हम अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और c ओवर a की जगह हम अल्फा बीटा लिख सकते हैं अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स होता है तो एक्स स्क् माइनस एस एक्स प्लस एल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है तो p इज इक्वल टू जीरो तो ये स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी अगर हमें रूट्स गिवन होंगे तो जब रूट्स दिए होंगे तो हम रूट्स का सम फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा से एक रूट को हम अल्फा लेट करेंगे दूसरे रूट को बीटा लेट करेंगे अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे और अल्फा बीटा प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी जी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग फॉलोइंग रूट्स ए और एफ पार्ट में कर रहा हूँ स्टूडेंट्स ए पार्ट में हमें दो रूट्स गिवन हैं हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है एक रूट को अल्फा लेट कर लेंगे लेट अल्फा इज इक्वल टू वन एंड बीटा इज इक्वल टू फाइव पहले रूट्स का सम फाइंड करेंगे सम ऑफ द रूट्स एल्फा प्लस बीटा एल्फा की वैल्यू वन प्लस बीटा की वैल्यू फाइव है तो वन प्लस फाइव रिजल्ट सिक्स आ जाएगा तो सम ऑफ दी रूट्स की वैल्यू हमारे पास सिक्स आ गई अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू एल्फा इंटू बीटा एल्फा की वैल्यू वन इंटू बीटा की वैल्यू फाइव इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमारे पास फाइव आ जाएगा तो ये रूट्स की प्रोडक्ट आ गई हैंस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी स्टूडेंट्स एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो एस की वैल्यू सिक्स और पी की वैल्यू फाइव पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो स्टूडेंट्स इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हमने फाइंड की अब पार्ट एफ सॉल्व करते हैं पार्ट एफ में दो रूट्स हमें गिवन है एक को लेट कर लेंगे अल्फा लेट अल्फा इज इक्वल टू माइनस वन बीटा इज इक्वल टू माइनस सेवन दी रूट्स फाइंड करेंगे सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा अल्फा की वैल्यू माइनस वन प्लस बीटा की वैल्यू माइनस सेवन है तो प्लस माइनस माइनस सेवन आ जाएगा माइनस वन माइनस सेवन को सिम्प्लीफाई करें तो रिजल्ट माइनस एट आ जाएगा ये हमारे पास सम ऑफ द रूट्स आ गया अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा अल्फा की वैल्यू माइनस वन इंटू बीटा की वैल्यू माइनस सेवन है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस इंटू माइनस प्लस सेवन वन रेवन तो ये हमारे पास रूट्स की प्रोडक्ट आ गई हैं

एक्स स्क्र माइनस माइनस एट इंटू एक्स प्लस पी की वैल्यू सेवन पुट करेंगे इज इक्ल टू ज़ीरो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वेर प्लस एट एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू ज़ीरो हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जी स्टूडेंट्स अब इसी क्वेश्चन का पार्ट जी करते हैं जी पार्ट में एक रूट गिवन है वन प्लस आयोटा और दूसरा रूट है वन माइनस आयोटा फर्स्ट रूट को अल्फा लेट कर लेंगे एंड सेकेंड रूट को बीटा लेट कर लेंगे पहले सम ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा अल्फा की वैल्यू वन प्लस आयोटा प्लस बीटा की वैल्यू वन माइनस आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा से कैंसिल हो जाएगा वन प्लस वन टू आ गया सम ऑफ दी रूट्स अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे

ए वन था वन का स्क्वायर माइनस बी आयोटा था आयोटा का स्क्वायर। वन का स्क्वायर वन होता है माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पार टू आ जाएगी अब आयोटा की पार टू माइनस वन के इक्वल होता है तो वन माइनस वन वन प्लस वन हो जाएगा तो प्रोडक्ट भी हमारे पास टू आ गई hence the required quadratic equation is x square minus sx प्लस पी इज इक्वल टू जीरो एस सम ऑफ़ रूट्स उसकी वैल्यू टू है टू एक्स प्लस प्रोडक्ट भी टू है इज इक्वल टू जीरो तो ये स्टूडेंट्स हमने रूट्स गिवन थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड की जी स्टूडेंट्स अब एच पार्ट सॉल्व करते हैं एच पार्ट में वैल्यूज हमें गिवन है थ्री प्लस अंडर उइनस अंडर सबसे पहले लेट कर लेते हैं रूट्स को लेट अल्फा इज इक्वल टू थ्री प्लस अंडर एंड बीटा इज इक्वल टू थ्री माइनस अंडर सम ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे एल्फा प्लस बीटा एल्फा की वैल्यू थ्री प्लस अंडर टू प्लस बीटा की वैल्यू थ्री माइनस अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट टू से कैंसिल हो जाएगा तो थ्री प्लस थ्री सिक्स आ जाएगी वैल्यू सम ऑफ द रूट्स की अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे अल्फा इंटू बीटा अल्फा की वैल्यू थ्री प्लस अंडर उन्टू बीटा की वैल्यू थ्री माइनस अंडर इसको मल्टीप्लाई करने के लिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा ए की वैल्यू थ्री है थ्री का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू स्क्वायर रूट टू है स्क्वेर रूट टू का स्क्वायर आ जाएगा थ्री का स्क्वायर लें, नाइन आ गया ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा माइनस टू बच गया तो नाइन माइनस टू को सिंप्लीफाई करें तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू आ गई सेवन हेंस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क् माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू है प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सेवन प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने फाइंड कर ली तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज टू पॉइंट फाइव का क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व किया जो पार्ट्स मैंने बोर्ड पे सॉल्व नहीं कराए वो आप एज होमवर्क खुद सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़